भरसाना सामुदायिक चिकित्सालय में ओपीडी 250 के लगभग हो रही है। ग्रामीण मामूली खांसी व नजला जुकाम के लिए भी सीएचसी आ रहे हैं। मरीजों ने बताया एक्सरे व जांच के लिए सीएचसी के बाहर के चिकित्सक पर्ची दे रहे हैं। जनता कर्फ्यू में बाहर के एक्सरे व लेबोरेटरीज वाले जेबे काट रहे हैं। नमस्कार जी, मैं गुरपिंदर सिंह न्यू मंडी गढ़साना श्री गंगाना से बोल रहा हूँ। 22 मार्च को पूरा भारत बंद जनता कर्फ्यू के कारण कल अचानक मेरा बेटा फीवर हो गया। रात को हम उसे सरकारी हॉस्पिटल में लेके गए, सुबह वहाँ से हमें कोई व्यवस्था नहीं मिली और उसको ना ही तो चेक किया गया और बाहर से रिपोर्ट करवाई गई और बाहर से ही एक्सरे करवाया गया। और डॉक्टर संदीप चार जी है जो चिकित्सक है वहाँ पे, उन्होंने हमें अंदर से कोई लेबोरेटरी से जांच नहीं करवाई, ये कह के भेज दिया बाहर कि बोल रहे आज संडे आज कोई नहीं आया हुआ। तो हमें बाहर से कल 1000 रुपये हमारे खर्च हो गए, तो हमें बहुत परेशानी हुई कल और ना ही कोई सुनवाई हो रही है। इतनी गंभीरता से वो संक्रमण चल रहा है फिर भी आज कोई भी इसको डॉक्टर खुद नहीं इसको गंभीरता से ले रहे, तो आम आदमी को क्या करेगा आम आदमी, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है। थैंक यू वेरी मच। बताएं कि आप कोरोना के बारे में कितने मरीज आ रहे हैं आपके पास, कोई ऐसा संदिग्ध भी है कि नहीं है? कोरोना के संदिग्ध अभी तक अपने क्षेत्र में नहीं है। खांसी जुकाम बुखार के मरीज आ रहे हैं लेकिन वो सीजनल मरीज हैं, जो विदेश से लौटे हैं 11 जने उनकी होम आइसोलेशन कर दिया गया, उनके घर पर रेगुलर टीम्स जा रही हैं, उनकी सेहत का ध्यान रखा जा रहा है और उनके कॉन्टैक्ट्स में भी अगर किसी को खांसी जुकाम या गला दर्द थोड़ी भी परेशानी है तो फटाफट हॉस्पिटल आके दिखा दिया जाता है। ना किसी भी आपात स्थिति के लिए अस्पताल प्रशासन, पुलिस प्रशासन या प्रशासन तैयार है, एम्बुलेंसेज सर्विसेज इक्विपमेंट तौर पर मौजूद है, इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरी लोगों से ये गुजारिश है कि अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें या अस्पताल आएँ, अदरवाइज लॉकडाउन का मतलब अपने आप को घर के भीतर ही रखें, सामाजिक मेल मिलाप बिल्कुल नगण्य कर दें। कोई अगर आपसे मिलना है तो उसको घर के अंदर ना आने दें, बाहर से ही राम राम करके उसको नमस्कार करके और बाहर से ही और भी किसी के घर ना जाए। सर ओपीडी कितनी आ रही है? ओपीडी तो चल रही है 500 to 600 चल रही है। मैं इस बारे में कहना चाहूँगा कि जब तक गला मतलब गले में खराश या बुखार ऐसा कोई तेज सिम्टम ना हो, अस्पताल आने से बचा जाए। सामान्य शरीर दर्द, जोड़ दुखते हैं, खुजली है या फिर कोई डायबिटीज़ वगैरह की दवाई है तो आप पूरे महीने महीने के लिखवा लें, अस्पताल बार बार आने से बचें, अति आवश्यक होने पर ही अस्पताल आया जाए। मरीज जैसे आप देखते हैं सर, उनको जैसे एक्सरे वगैरह की ये अपनी सुविधा नहीं है क्या हॉस्पिटल में, और जैसे जाँचें हैं जो उनके बारे में? अस्पताल में अति आवश्यक होने पर ही जाँच कराई जा रही है, दवाई जहाँ तक है पेशेंट के सिम्टोमेटिक एग्जामिनेशन के आधार पर दवाई दी जा रही है। ऐसा है सर, जैसे कोई मरीज आता है तो उसको आप चेकअप तो करती हैं, उसके बाद यहाँ भर्ती होने की व्यवस्था है या नहीं है? अति आवश्यक होने पर भर्ती भी किया जा रहा है लेकिन अभी तक पेशेंट्स जो आ रहे हैं वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट और ओरल ट्रीटमेंट से ही ठीक हो रहे हैं,